तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। अभी अभी मार्केट बस खुला ही हुआ है और मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक का ऑप्शन बाई किया जाए। ONGC तो 3:36 को उठे है, जोमेटो तो भाई ऊपर जा ही रहा है, आपको पता है क्यों जा रहा है। और रिचर मेटर तो आपको पता है आज क्यों ऊपर है, क्योंकि आज ओला ओला का लिस्टिंग हो रहा है, इसलिए रिचर मोटर ने भी सारे मोटर्स कंपनी आज ऊपर है। और ये सिंपल सा फंडा है, ये सब ऊपर रहते ही हैं, लिस्टिंग पे ऊपर रहते हैं भाई उस कंपनी के सेम। और चेक में अभी कोई नहीं, कुछ नज़र तो आ नहीं रहा कि हम लोग किस पे ट्रेड करें। ये कुछ मेरे सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, चेक कर लेता हूँ कि किस पे ट्रेड बना है। इंडस टावर पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ब्रेकआउट अभी बहुत दूर है। और जब आप जैसे अभी मार्केट खुला ही है, 9:21 हो रहा है, तो आप 1 मिनट चार्ट फ्रेम में ही देखिएगा, क्योंकि अभी भी जैसे मार्केट खुला है तो आपको और अच्छा सा नज़र आएगा चार्ट पे कि क्या क्या हुआ है। 5 मिनट पे देखेंगे तो आप एक कैंडल नज़र आएगा। तो श्री राम फाइनेंस में देखते हैं हम, श्री राम फाइनेंस में अच्छा तो दिख रहा है चार्ट, क्योंकि यहाँ से सब सेलर्स एग्जिट हो चुके हैं और ये एक हायर लगाने वाला है, हायर ब्रेकआउट होने वाला है। तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ कि कहाँ से हमें ट्रेड लेना है। इसके ऊपर अगर गए गए हम ट्रेड लेंगे इसके ऊपर, और श्योर सेफ ट्रेड होगा, क्योंकि इसके ऊपर जाते ही 10 पॉइंट का मूव दे अप मूव देगा, जिसमें हम लोग अपना 5% का प्रॉफिट बुक कर पाएंगे ऑप्शन में। चलिए मार्क कर देता हूँ, चलो ठीक ही है। और गए अभी तभी मैं थोड़ा ऑफ चला गया था, मैं फिर देखा कि एक ट्रेड बन रहा था, वीडियो बना लेता हूँ। श्रीराम फाइनेंस देखिए गाइस कहाँ चला गया, ये देखिए जहाँ मार्क किया था वहाँ से 20 पॉइंट ऊपर है। तो इसने इतना में 10% का प्रॉफिट बन सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो देख सकते हैं कि हमारे एनालिस्ट कितने अच्छे हैं। आइए, इंडियन होटल्स में हमारा एक ट्रेड बन रहा है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है 6:24 पे, मतलब 6:24 अगर क्रॉस किया तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट है। हम यहाँ पे श्योर ट्रेड लेने वाले हैं। देखिए इस ब्रेकआउट का मैं बात कर रहा था, बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट है। आप यहाँ पे मार्केट ऊपर है, वॉल्यूम्स ठीक है, टेक्निकल्स ठीक है, चार्ट ठीक है, और ये 650 का कॉल ऑप्शन हम बाय करने वाले हैं। 7:40 हो गया, 7.40 पे 3,000 बाय करेंगे और 25,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। चलिए देखते हैं फ्रंट पेज। हाँ गाइस, अभी तो मैं पेपर ट्रेड ही करता हूँ, क्योंकि पैसे तो है नहीं, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। और मुझे पता है जिस दिन मेरे पास पैसा आया है उस दिन मैं बहुत कुछ कर ही दूँगा। तो गाइस आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाइव टीचिंग बता रहा हूँ आपको कैसे स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड लिया जाता है, ट्रेड लिया जाता है स्टॉक में, स्टॉक के ऑप्शन में। 1,000 3,000 करेंगे, 3,000। और एक बार ट्रेड हमें लेने से पहले हमेशा आप देख, 24 हो गया पहले ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, नहीं तो मिस हो जाएगा ये भी। ट्रेड लेने से पहले हम हमेशा देखा कि ये कभी चार्ट पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि जो है चार्ट ही है, चार्ट है, न्यूज़ है, यही सब टेक्निकल्स है। फंडामेंटल्स ऑप्शन पर काम नहीं करते गाइस, फंडामेंटल से आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अभी थोड़ा नीचे जाएगा, ये जाएगा एज माई एक्सपीरियंस डेट, अभी थोड़ा लॉस में होगा 150 का प्रॉफिट। देखिए 7.60 से 65 पे 150 का प्रॉफिट, मतलब 5 पैसा बढ़ने पे हमारा 150 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि 3,000 क्वान्टिटी मैंने बाई किया है, इसमें भी बैंक निफ्टी निफ्टी जैसे उतना ही फ़ायदा रहता है गाइज। 7.50 मतलब अभी मेरा लॉस चल रहा है। यहाँ पे रियल टाइम वैल्यू ही बताता है, ग्रो अभी थोड़ा आगे चलता है, फंड पर थोड़ा पीछे चलता है, ये तो होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग रिफ्लेक्ट करे, ऐसा नहीं है। ये फंड पेज बहुत ही अच्छा ऐप है बिगनर्स के लिए। देखिए गाइस अब इंडियन होटल्स अभी भी तो नीचे ही है, 23:55 आ गया है, और 7:45 हमने 60 पे लिया था, मतलब अभी थोड़ा लॉस है। 500 का तक मैं लॉस लूँगा नहीं लूँगा, सुबह छोड़ दूँगा यार, कितना ही। 24:50 मूव आने लगा है, बहुत ही अच्छा मूव आया है भाई। ये यहाँ से मार्केट जा सकता है, देखिए चार्ट पूरा बता रहा है कि यहाँ से मार्केट जाने वाला है।
7.75 हो गया है हमारा प्रॉफिट, 450 लॉस था, 450 प्रॉफिट एकदम एग्जैक्ट 450 प्रॉफिट हो गया है गाइस। 70 80 हो गया, 80 हो गया मतलब 25 25 हो गया, हमारा 26 का टारगेट था, बस 2 पॉइंट का टारगेट है। हाँ रिकॉर्ड पे 2.3 रुपये का टारगेट अब रख सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में 7.90 हो गया इस, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में होता है। और भाई जो प्रॉफिट होता है तो भाई अंदर से कुछ अलग ही होता है, 900 प्रॉफिट हो गया है, 900 प्रॉफिट हो गया है, 25 50। देखिए इस ब्रेकआउट क्या आएगा, जब का ब्रेकआउट है, पूरा शेप ब्रेकआउट है। अगर आप अपना अकाउंट हैंडल करा दे सकते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट पे मैसेज कीजिए, मैं आपका अकाउंट हैंडल कर दूँगा। और चैनल को गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही मेहनत लगता है ये सब, बहुत ही एक्सपीरियंस एनालिस्ट लगता है। 1000 प्रॉफिट हमारा हो गया, 7.95 हो गया भाई, 26 चला गया, 26 तो चला गया, लेकिन मुझे अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट, तो मैं बना रहूँगा इस ट्रेड में। देखिए 1% का भी वीकनेस नहीं है इसमें, अभी 5% का प्रॉफिट हो चुका है हमारा, दो सिर्फ 24 से 2 रुपये ऊपर गया है, वहाँ पे हमारा 5% का प्रॉफिट हो गया 7.95। देख लीजिए 26 से 6.50, एक बार 30 मिनट का शॉर्ट फॉर्म पे देखिए ये ब्रेकआउट जॉइन, देखिए एकदम 24 पे ब्रेकआउट है और अभी 26 पे, बस इसी को हमें ट्रेड करना है, ऐसे ब्रेकआउट को ट्रेड कीजिए, उससे एकदम सेफ ट्रेड से ट्रेडिंग होता है। बैंक निफ्टी निफ्टी से तो बहुत, वो लोग बहुत उसमें ऑपरेटर्स पूरा मार के रख दिए हैं मार्केट को। 1350 का हमारा अभी प्रॉफिट, मतलब 6% का प्रॉफिट चल रहा है, 8.25 हो गया भाई, 27 चला गया है ऐसा, और अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है चार्ट, चलो भाई 1950 ऑलमोस्ट हमारा 10% का प्रॉफिट हो गया है आज का हो गया 27 50। अभी भी 28 तक हम को रीच ले सकते हैं, लेकिन मुझे फीलिंग कुछ और आ रहा है, एग्जिट ले लेता हूँ, लालच लालच नहीं करना चाहिए, ले लेता हूँ भाई, ले लेता हूँ एग्जिट, एग्जिट हमारा एग्जिट हो चुका है। कहते आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमने पूरा लाइफ टीचिंग आपको बताया कैसे ट्रेड प्लेस करना है, कैसे नहीं करना है, क्या देख के करना है, सब कुछ करना है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और